हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अभी मैंने ये न्यू वीडियो स्टार्ट किया, जो कि आप लोगों को सब लोगों को पता ही है कि जो ये सब इंडिया में जो थंडर स्टॉर्म का चालू है, जो कि अभी मुंबई और नासिक, शायद ये पुणे के तरफ चला गया है। और ऐसा बताया गया है कि मैं जहाँ पे रहता हूँ धुले में, इस साइड से भी जाने वाला है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेदर कैसा हुआ है, अभी पूरा क्लाउडी हुआ है वेदर। तो आप, मैंने एक टाइम लैप्स लिया है, वो टाइम लैप्स एंजॉय करो। सो गुड मॉर्निंग गाइस, जैसे कि मैं आप सब लोगों को बता दूं, कल तो मैं टेरिस पे गया था, जो कि आप लोगों ने अभी जो टाइम लैप्स देखा उसके बाद मैं अभी बात करूँ, क्योंकि उसके बाद जब मैं कुछ शूट करने वाला था तभी अचानक से बारिश आने लगी और मैं घर में आ गया था। और रात में तो कुछ नहीं, अपना खाना वाना खाया और सो गया था। तो फिर उसके बाद अभी उठा हुआ, अभी तो सुबह के बजे है 10 बजे, आप देख सकते हो 10 बजे। तो अभी उठा मैं, अभी फ्रेश वगैरह होते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग रहा तो ये आपके सामने आते हैं। सो जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है, जो केरला में अभी पिछले एक दो दिन पहले हुआ है, मतलब जो हुआ है आप सभी लोगों को तो पता ही होगा, जो कुछ लोगों ने एलिफेंट को, मतलब पाइनएप्पल दिखा के उसमें फटाके रख दिए थे और वो फटाकों से उसको इजा हो गई थी, बुरी तरह से इंजरी हो गई थी एलिफेंट को। तो मतलब यार, लोगों की सोच भी कितनी गंदी है कि जो, मतलब जिसको बोलना भी नहीं आता है उसके साथ ऐसा करते हैं। यार अगर कुछ करना है तो अपने बराबरी के साथ वाले को करो, फिर समझेगा क्या हाल होता है अपना भी। सो गाइस, जिसको समझ में नहीं आता उसके साथ करने में तो कोई, मतलब कुछ नहीं है। तो आप लोगों को तो पता ही है, लेकिन मैंने भी लोगों को पता ही होगा जो एकता कपूर का जो कॉन्ट्रोवर्सियल सीन चालू है, जो कि मतलब उनका जो वेब सीरीज़ आया है नया XXX करके, कुछ भी अनसेंसर्ड, XXX अनसेंसर्ड करके, तो उसमें वो आर्मी ऑफिसर का जो ड्रेस पहनाती है और उसका जो पति रहता है, वो जो हस्बैंड रहता है वो आर्मी में रहता है, वो चला जाता है। उसके बाद वो उसका कोई एक्स या फिर कोई बॉयफ्रेंड रहता है, उसको बुला के उसको वो आर्मी का ड्रेस पहनाती है और उसको लिटरली पूरा फाड़ देती है। और ये सब चीज़ दिखाना गलत है, आप लोगों को पता है। तो आप देखो भी आर्मी ऑफिसर ने क्या बोला है, वो देखो। इसमें एक इंडियन आर्मी का कर्नल रैंक के ऑफिसर्स को दिखाया है, वो जाते हैं अपनी फील्ड में, पीछे से उसकी बीवी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया किसी डॉक्टर के साथ। उस डॉक्टर को अपने घर पे बुलाती है अपने पति की एब्सेंस में और उसको अपने पति की यूनिफॉर्म पहनाती है, जिसपे के नेशनल एम्बलम छपा होता है, कर्नल का रैंक उस पर लगा होता है, आर्मी की यूनिफॉर्म होती है। सेक्सुअल एग्रेशन में उसकी यूनिफॉर्म को फाड़ती है और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स का एक इंडिकेशन दिया जाता है। कहां मर जाता है मेरे देश का मीडिया, मेरे देश के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड मीडिया, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, सब कुछ तुम लोगों की आंखों के सामने होता है। तुम लोगों की आंखों में इतनी शर्म नहीं है कि खुद तुम्हारे देश की सेना जो 24/7 अपनी जान हथेली पे लेके बॉर्डर्स पे अलग अलग एरियाज में बैठी रहती है, चाहे वो पैरामिलिट्रीज हो, आर्म फोर्सेज हो, पुलिस वाले हो, तुम लोगों की आंखों में किसी के लिए कोई शर्म नहीं है, तुम्हें सिर्फ पैसा कमाना है। तो ये गलत चीज है, तो इसके ऊपर एक्शन लेना तो यार बात बनती है। और ये जो जिसने वीडियो बनाया वो सबके वीडियो के ऊपर स्ट्राइक मारते ही जा रहा है, स्ट्राइक ही मार रहे हैं, तो यार ये गलत चीज़ है, गलत चीज़ है, तो गलत होना ही चाहिए, इसका वीडियो तो यार निकालना ही चाहिए। तो गाइस चलो अभी इस वाली वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और ऐसे और अच्छी वीडियोज आपके लिए आने वाले हैं, तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नीचे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, वहाँ पे सब्सक्राइब करें और आगे बेल आइकन है, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। तो चलो गाइस, इस वाले वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलती है अगले वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हैप्पी।